हेलो दोस्तों, वेलकम बैक पोकेमोन क्लाइमेक्स जर्नीज में तुम सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं एपिसोड वन। हमको दिखाया जाता है वाइडोन स्टेडियम में एस किसम जो है लियोन के साथ में मुकाबला कर रहा है और एस का पिकाचू जाइकांटा मैक्स में आता है, लियोन का चाइजार भी जाइकांटा मैक्स चाइजार में आता है। दोनों मुकाबला करते हैं और एस का पिकाचू जीत जाता है। फिर हमको एक साल का लीप दिखाया जाता है, उसके अंदर एस जो है पिजियोट के साथ में ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी पीछे से प्रोफेसर लोग आते हैं, एस को बताते हैं कि सॉरी एस किसम, इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं होने वाली। ऐसे बोलता है, क्यों, क्या हुआ? फिर प्रोफेसर एक्सप्लेन करते हैं, इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं बल्कि अल्टीमेट चैंपियनशिप होने वाली है, जो कि 50 सालों में एक बार होती है। और हाँ, इसमें तुम अकेले मुकाबला नहीं करोगे, तुम इसमें अपनी टीम बनाकर मुकाबला करोगे। अगर तुम कैंटो से क्वालिफाई कर जाते हो तो तुम यह अल्टीमेट चैंपियनशिप में कैंटो रीजन को रिप्रेजेंट करोगे, ये काफी बढ़िया बात होगी। तो ऐसे बोलता है, वाओ, इसमें मुझे हिस्सा लेना पड़ेगा, लेकिन थोड़े रूल्स बताओ। तो प्रोफेसर लोग बताते हैं कि तुम्हें चार ट्रेनर की टीम बनानी है और या वो चार ट्रेनर उसी रीजन से होने चाहिए जिससे तुम क्वालिफाई कर रहे हो, यानी कि कैंटो का ट्रेनर कैंटो से ही क्वालिफाई कर सकता है, कैंटो के क्वालिफाई राउंड में ही जा सकता है। ऐसा नहीं कैंटो का ट्रेनर जो है जोटो में चला जाए, जोटो का यूनोवा में, यूनोवा का केलोस में, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको यार चार ट्रेनर फाइंड करने, कैंटो रीजन से ही अपनी टीम बनानी है, उन टीम के साथ में एक छोटा सा टूर्नामेंट होगा कैंटो रीजन में ही। अगर ये उसको क्वालिफाई कर जाएंगे तो ये कैंटो को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ऐसे बोलता है, टेंशन नॉट, मेरे पास बहुत सारे दोस्त मेरे, वो मेरी टीम में आ ही जाएंगे। तो प्रोफेसर को बोलते हैं, अच्छी बात है। और ए सबसे पहले कॉल करता है ब्रोक को, बोलता है भाई यार आजा यार, दोनों मिलके तबाही मचा देंगे। लेकिन ब्रोक बोलता है, सॉरी मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ सकता, मेरी अलग टीम बन चुकी है, मेरे कुछ जिमलर दोस्त थे उनके साथ में मुकाबला करने वाला है। तो एस बोलता है, मिस्टी को कॉल करता हूं मैं। तो एस मिस्टी को कॉल करता है और मिस्टी बोलती है, मैं भी नहीं आ सकती, मैं मेरी बहनों के साथ में टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हूं। तो एस काफी टेंशन में होता है। तभी एस को जीवानी का ऑफर आता है अपनी टीम में आने का, लेकिन एस किसम मना कर जाता है बिकॉज एस को पता है जियोवानी टीम रॉकेट का बॉस है। फिर एस गैरी से पूछता है और गैरी भी मना नहीं करता है, गैरी मान जाता है। और गैरी और एस की टीम बन चुकी है, दो ट्रेनर की और जरूरत है। तो एस किसम पास के माउंटेन में जाते हैं सोचते सोचते कि अब क्या करें क्या करें। तभी यार एस को आवाज़ आती है काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वाली और एस का पिकाचू अजीब सा बिहेव करता है और एस का पिकाचू कहीं भाग जाता है और गैरी और एस भी एस के पिकाचू का पीछा करते हैं। और यार एस का पिकाचू स्पार्की से मिलने गया था, असल में जो ये हमला हो रहा था ना वो रिची का स्पार्की कर रहा था, स्पार्की यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था। तो एस बोलता है, रिची ये क्या कर रहे हो? रिची बोलता है, मैं अल्टीमेट चैंपियनशिप की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें देखा था मुकाबला करते हुए और मेरे अंदर का ट्रेनर जाग चुका है, मज़ा आने वाला है। तो एस बोलता है, अल्टीमेट चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हो ना, किसके साथ जाओगे, टीम क्या है तुम्हारी, बताओ ना। तो रिची बोलता है, अभी तो कोई टीम नहीं है। तो एस यार रिची को ऑफर करता है, तुम हमारी टीम में आ जाओ, लेकिन रिची मना कर देता है, बोलता है कि मुझे तुम्हारे खिलाफ लड़ना है, तुम्हारे साथ नहीं लड़ना है। लेकिन फिर हमको यार ये तीनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं, पीछे एक माउंटेन क्रेश हो जाता है, मतलब यार माउंटेन से कुछ की आवाज़ आती है। तो तीनों ट्रेनर्स जो है वहाँ पे जाते हैं और इनको देखने को मिलता है एक ओनिक्स जो है तबाही मचा रहा है। पहले तो मुझे लगा कि ब्रोक तो नहीं है ना, लेकिन ब्रोक यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे होता है ब्रूनो। फिर हमारे हीरोज यार ब्रूनो से मिलते हैं, ब्रूनो बताता है कि मैं भी अल्टीमेट चैंपियनशिप के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ। रिची बोलता है, हाँ मुझे पता था तुम यहीं पे होंगे, मैं आपके पास ही आने वाला था, मुझे आपके साथ टीम में जानना है यार। तो ब्रूनो बोलता है, सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं मेरे इलाइट फोर ट्रेनर्स जो है ना उनके साथ मिलकर इस चैंपियनशिप में हिस्सा लूँ और कैंटो को रिप्रेजेंट करूँ, लेकिन बाकी सारे तीनों मेंबर्स को यार जियोवानी ने ऑफर दे दिया और वो जियोवानी के साथ में मिल चुके हैं, अब मैं अकेला हूँ और मुझे कोई ट्रेनर मिल नहीं रहे। तो रिची बोलता है, हम दोनों मिल जाते हैं ना, लेकिन ब्रूनो बोलता है, बाकी दो ट्रेनर्स भी समझदार होने चाहिए, पावरफुल होने चाहिए, मैं ऐसे किसी की टीम में नहीं जाएगा। तो रिची बोलता है, ये एस और गैरी है ना, ये भी पार्टनर ढूंढ रहे हैं, चलो हम दोनों भी इनके साथ में मिल जाते हैं। तो ब्रूनो बोलता है, नाइस आइडिया, वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ में टीम शेयर करना मेरे लिए भाग्यशाली वाली बात होगी। तो हमको हमारी टीम मिल जाती है जो कि यार एस किस्म की होती है और उसमें होते हैं एस, गैरी, रिची और ब्रूनो। और कल से शुरू होने वाला है, यानी कि एपिसोड टू में हमको दिखाया जाएगा केंटो का क्वालिफाइंग राउंड। अब देखना होगा इंटरेस्टिंग, क्या एस किचन की टीम जो है मिस्टी वाली टीम को, ब्रोक वाली टीम को और जियोनी वाली टीम को हरा कर केंटो को रिप्रेजेंट कर पाएगी या फिर नहीं। तो उसके लिए कर दो लाइक एंड टाटा बाय बाय।